मध्य प्रदेश त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव स्थगित होने के बाद ग्राम पंचायतों की बागडोर का मामला तुल पकड़ रहा है। अशोकनगर में सोमवार को सरपंच पद की प्रत्याशियों ने पूर्व के सरपंचों को फिर से पंचायतों का प्रभार दिए जाने का विरोध किया है। बता दें कि मध्य प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनाव ओबीसी आरक्षण की वजह से निरस्त हो गए थे। चुनाव निरस्त होने के बाद से ही प्रत्याशियों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। सोमवार को सरपंच पद के प्रत्याशियों ने पूर्व के सरपंचों को फिर से पंचायतों का प्रभार दिए जाने का विरोध किया है। सरपंच पद के प्रत्याशी दोपहर में अशोकनगर कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते हुए मांग रखी है कि पूर्व के सरपंचों को प्रभार ना सौंपा जाए। वहीं प्रत्याशियों ने सरपंचों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए कलेक्ट्रेट परिसर में नारेबाजी भी की। उनका सीधे तौर पर कहना है कि यदि अब पूर्व सरपंचों को प्रभार दिया जाता है तो आने वाले पंचायत चुनाव पर गलत असर पड़ेगा। क्या नाम है आपका? रघुवीर सिंह रघुवंश। कौन से गांव से आए? अखाई टप्पा। तो किस मामले को लेकर आप प्रदर्शन कर रहे हैं? हम साहब जी सरपंच के मामले के लिए लेके आए हैं। क्या मांगे आपकी? हमारी ये मांगे कि सरपंच के लिए चार्ज न दिया जाए। अच्छा, आप लोग सब उम्मीदवार हो? हम उम्मीदवार हैं और गांव के हम जनता के सेवक हैं। आप क्यों ऐसी मांग कर रहे हो? इनका भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार किया है। पंचायतन की जांच कराई जाए। कोरोना काल में इनने कोई काम नहीं की और जनता की कोई सेवा नहीं की इनने, इसलिए इनके लिए चार्ज नहीं दिया जाए। नाम है आपका? मुकेश सिंह रघुवंशी। कहाँ से आए हो आप? जिला से। क्या मांग है आपकी? हमारी ये मांग है कि पहले चरण में चुनाव था हमारा, तो अपन जो नामांकन दाखिल कर दिए थे, चिन्ह भी मिल गए थे, प्रचार प्रसार भी हो गया था, बैनर पैम्पलेट भी बांट दिए थे हमने, और आज जो हमारे साथ में जो लोग थे वो उनकी भी पहचान हो गई, और अगर पूर्व सरपंचों को चार्ज मिलता है तो वो लोगों का क्या होगा? तो आपकी मांग है सरपंचों को चार्ज ना दिया? बिल्कुल नहीं दिया जाए सरपंचों का चार्ज। तो आप आज क्या करने वाले हो यहाँ पे? हम आवेदन दे रहे हैं, आवेदन में अगर नहीं मानेंगे तो हम आंदोलन करेंगे और भूख हड़ताल पे भी बैठेंगे हम। ऐसा थोड़ी होता है कि 5 साल। अशोकनगर से सुनील कुशवाहा की रिपोर्ट।